नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। चिनहट में राजमिस्त्री तूफानी चौहान की हत्या का पुलिस ने सोमवार को खुलासा किया है। प्रेस वार्ता कर डीसीपी हृदेश कुमार ने बताया कि मृतक तूफानी चौहान मूल रूप से लखनऊ का ही रहने वाला था और राजमिस्त्री का कार्यकर्ता था और अभियुक्त राम नरेश साहू थाना बीवीडी इलाके का रहने वाला था। घटना वाले दिन ही मृतक और अभियुक्त की पहचान हुई थी। दोनों ने एक साथ शराब पी और उसके बाद मामूली सी बात पर दोनों में हाथापाई हो गई, जिससे राम साहू ने वसूली से ताबड़तोड़ वार कर तूफानी चौहान को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्या ने प्रयुक्त वसूली को बरामद कर विधिक कार्यवाही के लिए जेल भेज दिया है। 24 फरवरी को एक मुकदमा लिखा गया था थाना चिनहट क्षेत्र में, रेलवे लाइन के किनारे फुसुका पूर्वा ग्राम के अंतर्गत वीरान में एक व्यक्ति की शव मिला था जिस पर चोटों के निशान थे। उस संबंध में पहले अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त हम लोगों के सामने एक चुनौती थी। विभिन्न मीडिया के साधनों द्वारा उनके चित्र प्रसारित कराए गए तथा अपने लोगों के माध्यम से भी क्षेत्र में जानकारी की गई। अंततः उनकी पहचान तूफानी चौहान के नाम से हुई, जो यहाँ पर मजदूरी करते थे और संत कबीर नगर जिले के रहने वाले थे। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर गाजियाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र के घंटा घर पर पहुंचे और सड़कों पर लेटकर सड़क जाम कर दिया। बता दें, व्यस्त घंटा घर चौराहे पर लंबा जाम भी इस दौरान लग गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जबरन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सड़कों से हटाया और कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया है। मैं डॉक्टर सचिन शर्मा, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी गाजियाबाद। आज आपका ये प्रदर्शन चल रहा है, आप ये प्रदर्शन जाएगा? देखिए, सांकेतिक प्रदर्शन है आज का। अगर इसके बाद में मनीष सिसोदिया जी को, जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनको अगर रिहा नहीं किया गया तो पूरे देश भर के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ प्रदर्शन करेगी। तो रहा नहीं है, आप लोगों ने सड़क जाम की, पुलिस के साथ आपकी झड़प हुई। तो बिल्कुल ये सांकेतिक ही है कि इसके बाद और आगे क्या क्या हो सकता है, इसके लिए भी पुलिस तैयार रहे, मोदी जी तैयार रहे। क्या क्या हो सकता है? बहुत कुछ बाकी है, समय आएगा, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। जी हाँ, ऐसा होता रहा है अक्सर कि पुलिस डिटेन करती रही है और हमने बोला है, हमारी बात हुई है इंस्पेक्टर साहब से कि वो उनको जल्दी से जल्दी छोड़ दे। आज का प्रदर्शन कब तक चलेगा? आज का प्रदर्शन जैसे ही हमारे साथियों को रिहा कर दिया जाएगा उसके बाद हम समाप्त करने वाले हैं। उसके बाद में जैसा जैसा हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आदेश होगा उसके हिसाब से हम आगे प्रदर्शन करेंगे। बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद उनके घर पर सियासी मरहम लगाने का सिलसिला जारी है। घटना के चौथे दिन उमेश पाल के घर पर बीएसपी का डेलीगेशन प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के नेतृत्व में पहुंचा, जहां पर मृतक उमेश पाल की और पत्नी जया पाल और मां शांति देवी से वार्ता की। इस दौरान मृतक परिवार को बीएसपी डेलीगेशन ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं इस जघन्य हत्या आरोपी माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के बीएसपी में होने के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि जैसे ही शाइस्ता परवीन पर आरोप सिद्ध हो जाएंगे उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक हमारे विधायक राजू पाल जी की घटना इस तरीके से हुई थी और उस घटना में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी सुबह सुबह ही बिल्कुल पहुंच गई थी और आज मैं देख रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी में थे और लेकिन आज तक भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ तक नहीं पहुँचने का काम किया और कानून कई दिन बीत गया क्या कर रहा है, जबकि उसी दिन मान्या बहन जी की जो ट्वीट आया है उसमें मान्या बहन जी ने कहा है कि जो भी निर्दोष लोग हैं इनको तुरंत से तुरंत सजा मिलनी चाहिए। खबर प्रयागराज से है, जहाँ विधायक राजू पाल हत्याकांड के मामले को लेकर बीएसपी का डेलीगेशन उनके घर पर पहुंचा। वहां उन्होंने सांत्वना दी है और कहा कि जो भी हर संभव मदद वो करेंगे। इसके बाद लगे आरोपों पर शाइस्ता परवीन पर लगे आरोपों पर उन्होंने कहा कि शाइस्ता परवीन पर अगर आरोप सिद्ध हो गए तो उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड मामले को लेकर बीएसपी का डेलीगेशन प्रयागराज पहुंचा।
प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के नेतृत्व में बीएसपी डेलीगेशन उमेश पाल सिंह के घर पर पहुंचा। उमेश पाल के घर पर पहुंचने के बाद उन्होंने माँ और बीवी को सांत्वना देते हुए कहा कि हर संभव मदद उनका किया जाएगा। खबर रायबरेली से है, जहां श्रीमती माला श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद के जिन क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी नहीं है, उन क्षेत्रों में शीघ्र ही पीपी मॉडल पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और साथ ही उन्होंने बताया कि वर्तमान में उचाहार में यह सुविधा शुरू हो चुकी है, जिसका भुगतान स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिलाधिकारी श्रीमती माला श्रीवास्तव ने बताया कि उचाहार की तर्ज पर जल्द ही सलून, डलमऊ, लालगंज, बछरावा एवं जिला महिला चिकित्सालय में शुरू हो जाएगी। के निर्देश पर इस जिले में भी एक सीएचसी ऊंचाहार पे अभी हाल में ये सुविधा शुरू कराई गई है कि मातृत्व स्वास्थ्य संबंधी जो हर महीने के दो दिवस निर्धारित हैं 9 तारीख और 24 तारीख, उन दो दिवसों में यदि कोई व्यक्ति अस्पताल पहुंचता है और उसे डॉक्टर द्वारा अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता प्रिस्क्राइब की जाती है तो उसे एक वाउचर दिया जाएगा और उस वाउचर से वो एम्पैनल्ड निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर निशुल्क अल्ट्रासाउंड करा सकेगा। खबर लखनऊ से है, जहां एनआईए कोर्ट ने साउबुद्दीन, इमरान शहजाद और फारूक को उम्र कैद की सजा सुनाई। बता दें कि चारों दोषी साल 2007 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले से जुड़े थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं दोषियों के पास से AK-47 हैंड ग्रेनेड, पाकिस्तानी पासपोर्ट भी मिले हैं। लखनऊ से है, आपको बता दें कि एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। 2007 के मामले में इमरान शहजाद और फारूक को कोर्ट ने सजा सुनाई है। इमरान शहजाद और फारूक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एनआईए की तरफ से बड़ा फैसला आया है। उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में मौजूद रहे। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी के साथ संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मामले पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये कोई पहली घटना देश में नहीं है, और साथ ही कहा कि बीजेपी जब से सत्ता में है तो सेंट्रल एजेंसी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। मनीष सिसोदिया शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का काम कर रहे थे। जो सेंट्रल एजेंसी है उनका गलत इस्तेमाल किया गया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने में लगातार काम कर रहे थे और उन्होंने देश के सामने एक मॉडल पे दिया है, और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता उनके खिलाफ जांच चल रही है, जितनी भी संस्थाएँ चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ये लगाई जा रही है जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकें। जनपद अलीगढ़ के गांव में शादी समारोह के दौरान आधा दर्जन से ज्यादा लड़कों का हाथों में अवैध तमंचा लेकर डीजे पर झूम झूम कर डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तमंचे के साथ डांस कर रहे लड़कों का यह वीडियो चंडौस इलाके के गांव का बताया जा रहा है। बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद तमंचा लहरा रहे लड़कों को चिन्हित करते हुए पुलिस ने कार्रवाई किए जाने की बात कह रही है।
खबर लखनऊ से है, जहां अवैध डेयरी हटाने पहुंचे नगर निगम कर्मियों से अभद्रता की गई। बता दें, शिकायत पर नगर निगम ने कर्मी अवैध डेयरी हटाने पहुंचे थे। नगर निगम कर्मियों को शिकायत मिली थी कि डेयरी संचालक आवारा पशुओं को रिहायशी इलाके में रखता था और दूध निकालने के बाद आवारा पशुओं को संचालक छोड़ देता था। बता दें, इस मामले में नगर निगम पशु कल्याण अधिकारी अभिनव वर्मा ने जानकारी दी है। पूरा मामला अवैध डेयरी को लेकर है, जहां पर नगर निगम कर्मियों से अभद्रता की गई है। बता दें कि नगर निगम कर्मियों से अभद्रता करने का मामला सामने आया है। डेयरी संचालक पर आरोप लगाए गए हैं कि पशुओं का दूध निकालने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता था, जिसको लेकर नगर निगम वहां पर पहुंचा। वहीं पर नगर निगम कर्मियों के साथ अभद्रता की गई है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।